हे गाइस, कैसे आप सब? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शंकर, ये सौरभ, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे स्वागत करते हैं। चैनल का नाम इंडियन रिएक्शन बॉयज। उम्मीद करते सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। कमेंट के लिए थैंक यू सो मच, हमारे परिवार से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। हमारी एक छोटी सी फैमिली सी बन गई है, जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जिनकी वीडियो में रिएक्शन देते हैं आपके, जिनके रेगुलर कमेंट आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, ये फैमिली सी बन गई यार। आप बताते रहते हो, इस पे कमेंट करो, इस पे बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ, ये है वो है फलान, तो बहुत कुछ बताते हो, बहुत कुछ जानने को मिलता है हमें और अच्छा लगता है कि आप सब इतना। मैंने लास्ट वीडियो में बताई कि आज से एक साल पहले मैं कुछ नहीं पता था और आज के टाइम बहुत कुछ पता है। हाँ यार, देखो अभी हम जब से चैनल स्टार्ट करा हमें लोड्स ऑफ नॉलेज हमें मिला है भाई, बहुत कुछ जानने को मिला है। और इतना हम जानते नहीं थे, हमें बस इतना जानते थे हाँ ये पाकिस्तान देश है जो हम अलग हुए हैं, 1947 में अलग हुए हैं, वो इधर कंट्री है। फिर हम अपने में खोए रहते थे और उतना नॉलेज भी नहीं था हमें यार, पढ़ते रहते थे और फिर पढ़ाई के बाद खेल कूद इतना था नहीं। लेकिन हमने जब से चैनल स्टार्ट करा आपके जरिए बहुत कुछ जानने को मिला है और थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, और इसी तरह कमेंट करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं? पहले थोड़ा बता दें, हम बताते हैं लंबा खींच के। हाँ, तो आज जो वीडियो है फयाल कुरैशी 10 बेस्ट ड्रामा फयाल कुरैशी, तो हमें इनकी जो फयाल कुरैशी है वो हमें देखने को मिलता है खुश रहो पाकिस्तान गेम शो में, तो वहीं से ये आए, तो वहीं से हमें पता चला कि तो एक्टर है और इनकी बेहतरीन जो ड्रामा है वो हम इसमें देखेंगे। और इससे पहले हमने दानिश भाई का देखा था, इस बार फयाल भाई का देखेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड गो। फैसल कुरैशी पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में एक मकबूल तरीन अदाकार के तौर पर जाने जाते हैं। फैसल कुरैशी ने कई ब्लॉकबस्टर पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम अपने नाज़रीन को फैसल कुरैशी के टॉप 10 ड्रामों के बारे में बताएंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। मोल ड्रामा सीरियल मोल एक सुपरहिट पाकिस्तानी ड्रामा है जिसे आमना मुफ्ती ने तहरीर किया और इलियास कश्मीरी ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में फैसल कुरैशी की अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। ड्रामा सीरियल मोल की मेन कास्ट में फैसल कुरैशी, नवीन वकार, इकरा अजीज, नदीम बेग, इस्मत जहदी, अदनान जाफिर और जैनब कयूम शामिल थे। ड्रामा सीरियल मोल सन 2015 में हम टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। 5 साल पहले। 9 रंग लागा ड्रामा सीरियल रंग लागा एक सुपरहिट रोमांटिक फैमिली ड्रामा है जिसे सना फहद ने तहरीर किया और अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी के गिर्द घूमती है जो 3 शादियां करता है। ड्रामा सीरियल रंग लागा की मेन कास्ट में फैसल कुरैशी, साइमन नूर, सबूर अली, नीलम मुनीर, जाले सरहदी, मोमल खालिद और अफिया कुरैशी शामिल थे। ड्रामा सीरियल रंग लागा सन 2015 में ARY डिजिटल पर टेलीकास्ट हुआ। ये भी 2015 में, बहुत सोच करें। कैदे तन्हाई ड्रामा सीरियल कैदे तन्हाई एक सुपरहिट पाकिस्तानी फैमिली ड्रामा है जिसे उमेरा अहमद ने तहरीर किया और बाबर जावेद ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की कहानी आयशा और मुइज के गिर्द घूमती है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ड्रामे की मेन कास्ट में फैसल कुरैशी, सवेरा नदीम, सबा हमीद, सुनीता मार्शल और नीलम मुनीर शामिल थे। ड्रामा सीरियल कैदे तन्हाई सन 2010 में हम टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। 10 साल पहले। अभी इतना चेंजेस लग रहे हैं ना। बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह ड्रामा सीरियल बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह एक पाकिस्तानी मकबूल तरीन ड्रामा समझा जाता है जिसने कामयाबी के कई रिकॉर्ड कायम किए और इसी ड्रामे की वजह से फैसल कुरैशी भी कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंच गए। इस ड्रामे को खलीलुर रहमान कमर ने लिखा और दिलावर मलिक ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की मेन कास्ट में फैसल कुरैशी,
काशिफ महमूद, मारिया वास्ती, फरा शाह, खालिद मलिक, बाबर अली, दीबा बेगम और महमूद असलम शामिल थे। ड्रामा सीरियल बूटा फ्राम टोबा टेक सिंह 1999 में पीटीवी पर टेलीकास्ट हुआ। काफी पुराना है। अधूरी औरत ड्रामा सीरियल अधूरी औरत एक सुपरहिट पाकिस्तानी ड्रामा है जिसे समीना इजाज ने तहरीर किया और फुरकान खान ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में फैसल कुरैशी ने नेगेटिव किरदार निभाया। अच्छा। जिसे बहुत पसंद किया गया। ड्रामा सीरियल अधूरी औरत में फैसल कुरैशी और आयजा खान ने मरकजी किरदार निभाए जबकि बाकी कास्ट में माहीन रिजवी, आमिर कुरैशी, उमर शहजाद, अनवर इकबाल और बिलाल कुरैशी शामिल थे। ड्रामा सीरियल अधूरी औरत सन 2013 में जियो टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। जख्म। ड्रामा सीरियल जख्म एक सुपरहिट पाकिस्तानी रोमांटिक ड्रामा है जो बिग बैंग एंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार हुआ। इस ड्रामे को समीना इजाज ने तहरीर किया और अली फैजान ने डायरेक्ट किया। ड्रामा सीरियल जख्म की मेन कास्ट में फैसल कुरैशी, मदिया इमाम, सरवत गिलानी, शबीर जान, फहीम अब्बास, मरियम मिर्जा और महवेश कुरैशी शामिल थे। ड्रामा सीरियल जख्म सन 2017 में ARY डिजिटल पर टेलीकास्ट हुआ। मुकद्दर। ड्रामा सीरियल मुकद्दर जियो टीवी पर चलने वाला एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है जो सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार हुआ। ड्रामा सीरियल मुकद्दर को इकबाल बानो ने लिखा और शहजाद शेख ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में यतीम लड़की, खामोश मोहब्बत, एक दूसरे पर ज्यादतियां, पावरफुल शख्सियत का रोब, दबदबा, गरूर, तकबर जैसे तमाम मसाइल मौजूद हैं। ड्रामे के मरकजी किरदारों में फैसल कुरैशी, मदिया इमाम, आयशा गुल, अली इंसारी, शामीन खान, हारून शाहिद और सैफ हसन शामिल थे। ड्रामा सीरियल मुकद्दर सन 2020 में जियो टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। बाबा जानी। ड्रामा सीरियल बाबा जानी एक सुपरहिट रोमांटिक फैमिली ड्रामा है जिसे फायजा इफ्तखार ने तहरीर किया और अली फैजान ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में फैसल कुरैशी की अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। ड्रामा सीरियल बाबा जानी की मेन कास्ट में फैसल कुरैशी, मदिया इमाम, सवेरा नदीम, सबा हमीद, फरियाल महमूद, टीपू शरीफ, अली इंसारी और शहरियार जैदी शामिल थे। ड्रामा सीरियल बाबा जानी सन 2018 में जियो टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। बशर मोमिन। ड्रामा सीरियल बशर मोमिन एक सुपरहिट पाकिस्तानी रोमांटिक ड्रामा है जिसने कामयाबी के कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। इस ड्रामे को जंजबील आसिम शाह ने तहरीर किया और सैयद अली रजा उसामा ने डायरेक्ट किया। ड्रामा सीरियल बशर मोमिन अपनी मकबूलियत की वजह से गैर मुल्की चैनल्स की भी जीनत बना। ड्रामे की मेन कास्ट में फैसल कुरैशी, उष्णा शाह, हिनान हुसैन, माहीन रिजवी, सिमी खान, मरियम खालिद और शहरियार जैदी शामिल थे। अच्छा। ड्रामा सीरियल बशर मोमिन सन 2014 में जियो टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। मेरी जात जर्राए बेनिशान। ड्रामा सीरियल मेरी जात जर्राए बेनिशान एक ब्लॉकबस्टर पाकिस्तानी ड्रामा है जिसे उमेरा अहमद ने तहरीर किया और बाबर जावेद ने डायरेक्ट किया। ड्रामा सीरियल मेरी जात जर्राए बेनिशान अपनी मकबूलियत की वजह से इंडियन चैनल जिंदगी पर भी नशर हुआ। ड्रामे की मेन कास्ट में फैसल कुरैशी, समिया मुमताज, समीना पीरजादा, सरवत गिलानी, महरीन राहील, अदनान सदीकी, इमरान अब्बास, इस्मत जैदी और हमायूं सईद शामिल थे। ड्रामा सीरियल मेरी जात जर्राए बेनिशान सन 2009 में जियो टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। जिसके अंदर लीड एक्टर है फैसल कुरैशी भाई। तो इस
हाँ, जो मैं बोल रहा था, एक बात बतानी है आपको, ये था कि शुरुआत में जब ये मेरे ख्याल से नए नए थे इंडस्ट्री में, तब से लेके ये और यंग होते जा रहे हैं यार, है ना, यार ये बात तो है सही है, ना, ये बात तो राइट है है। ना, यंग होते या जा तो रहे ओल्ड होते यंग होते जा रहे, और पहले पर्सनैलिटी अच्छी, धीरे धीरे पर्सनैलिटी और और बढ़ती ग्रो जा रही करते। है। अच्छा वैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आप काम करते तो मेहनत के बाद आपके अंदर जो वो होता है ना, वो ग्रो करने का, तो वो हाँ दिखता है, वो तो वो दिखता है। इनके अंदर में प्रॉपर पता चलता है कि भाई ये कितना ग्रो करे। क्योंकि यार देखो, जो शुरुआत में आए थे तो ये पर्सनैलिटी इनकी बहुत ही बेहतरीन थी, लेकिन तब से लेकर इन्होंने अपने आप को इतना बेहतरीन मेंटेन करा ना, इतना अच्छा करा ये, अब ये लगता है कि भाई बिल्कुल ही मस्त एकदम। जैसे और हमारे इंडिया में दो हीरो हैं, सुनील शेट्टी और अनिल कपूर, देख भाई उनका लुक अभी तक ऐसा उनकी लगता लुक बिल्कुल भाई बिल्कुल गजब, मेंटेन है, और इनका लुक इनका भी लुक अभी मेंटेन दिन है। जैसे जैसे, और इनके साथ तो दानिश तैमूर भाई का भी हाँ लुक उनका लुक मेंटेन तो है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा मेंटेन कराया उन्होंने अपने आप को, और इतना लुक उनका निखार, निखार कहते हैं ना, मेरे समझ गए होंगे आप, वो बढ़ता गया है इनमें, और हाँ धीरे धीरे हम जो नॉर्मली होते हैं जैसे कि हमारे जैसे लोग, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे होते हैं, जैसे ऊपर नीचे और नीचे एक सच नीचे। बात बताऊं, एक ड्रामा आया 1999 में और मेरा जन्म हुआ था 1998 में। मेरा उसके एक साल बाद ये भाई साहब बहुत लेट जब वो शो में मेरे ख्याल से खत्म हो गया होगा, उन लोग में धरती आया पर था, आए और मैं थे। आज उनके इस ड्रामा पे रिएक्शन दे रहा हूँ, मतलब इनके बारे में जानने को मिल और रहा था, बड़ा कितना क्या मतलब कहते हैं ना उसको, फील करना बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। क्या क्योंकि क्या। यार उस बात को अभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके बारे में हम बातें कर रहे हैं, जिसको हमने देखा भी नहीं था मेरे ख्याल से। हम मैं जब पैदा हुआ था उसके एक साल पहले ही आया था, और जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान में जो ड्रामा होते हैं ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 एपिसोड्स होते हैं, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से उसी साल खत्म हो गया। उसके उसी साल बाद खत्म हो गया में होगा यार। उसके बाद में मार्च 28 मार्च 2000 में मेरा बर्थ है, तो भाई तेज काफी कर देना, आने वाले 28 मार्च पार्टी लेनी है तगड़े से। तो ये बात और भाई है, जोर के बोले पार्टी लेने, पिछले साल की पार्टी पेंडिंग है, कोरोना की वजह से बच गया था बड़ा ये। फायदा हुआ मुझे। आपको इस बार पता, नहीं मतलब होगा, लॉकडाउन लग गया था मेरे, 25 को लग गया था लॉकडाउन, 22 को लॉकडाउन लगा, 22 को लग 28 को गया भाई साहब का बर्थडे, हम था। भी उस दिन ही मिले थे और इसको बर्थडे विश करा था हाँ, 28 तो को मेरे पास मुझे। एक बहाना भी था, भाई तुम सब आए नहीं, हिम्मत है तो आ जाओ, पुलिस वाले मैं बाहर गया हैं, था फिर भी कुछ नहीं मिला पुलिस मुझे। वाले डंडे, भाई मैं कैसे लाता, दुकान सारी बंद, कैसे लाता, चलो तो कोई बहुत नहीं फायदा यार, हुआ। और इस बार लगता है बहुत लूट लेंगे भाई इस मुझे। बार तगड़ी पार्टी ले रही है इससे। तो गाइस यही थी आपकी हमारी अच्छा मैं वीडियो। सोच रहा हूँ यार, एक साल में कितना हम चेंज हुए ना, 28 मतलब कि पिछले बर्थडे पे हम पता ही नहीं था भाई कुछ, और इस बर्थडे में कितने सारे नॉलेज है, एक चैनल से जुड़े हुए हम, इतने सारे हमारी हाँ यार फैमिली ये है बात तो सही है, हम ना। जुड़े हुए किसी चीज से नॉलेज है। और जल्दी भाई से यार देखो, कहाँ हमने पार्टी हमारे लेनी है, वो तो 1000 पार्टी तो हो छोड़ गए, दो अब यार, जल्दी जल्दी हमारे 2000 कर दो भाई सब्सक्राइबर, प्लीज आपसे मजा आ रिक्वेस्ट है, जाएगा। बहुत है कि कर दो भाई, 2000 हो जाए हमारे सब्सक्राइबर, अच्छा लगेगा हमें। और बाकी तो आप पे है, आपकी मर्जी, आप करें ना करें, लेकिन हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप कर देंगे अरे क्यों सब्सक्राइब, नहीं करेंगे यार, एक बॉन्डिंग से मिले। इमोशन जुड़ गया, जरूर करेंगे। तो तो मिलते हैं फिर इनके बारे में बहुत अच्छा लगा जान के, और इनके भाई मैं भाई, वीडियो लंबी हो रही है। लुक से मैं सच्ची रुक जाएगा भाई, जो दिल की बात है मैं ओ इनके दिल की लुक बात है से, भाई, जो लुक से है ना, मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया हूँ भाई, संकल्प अपने आप जाने को जो बंदा मुड़ा मेंटेन नहीं करना है। भाई, मुझे ऐसे लोगों को देख के ना हमें बहुत इंस्पिरेशन होता है कि इनकी जैसा बनना है। देख अभी हम कैसे लग रहे हाँ हैं, मोटा जमीन तो धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ इनके जैसे अपने आप को ग्रो करें और थोड़ा सा हाँ अच्छा यार, लगे ना, पर्सनैलिटी बनाए पर्सनैलिटी उनकी। बनाए, तो इनको देख के ना एक खुशी भी मिलती है, और हमें भी आता है हाँ भाई हम भी कर यहाँ सकते पे हैं, भी हम भी कर चाहता मेरे, सकते हैं। यहाँ पे भी दाढ़ियां बढ़ जाएगी, तो मुझे थोड़ा लगता है सेट करो, कि उनकी दाढ़ी हम भी भी एक शो करेंगे, खुश रहो इंडिया गेम शो इनकी बराबरी हम कभी नहीं कर सकते, कभी तो नहीं। हम तो ऐसे मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, थैंक यू कीप सो मच। वॉचिंग, बाय बाय टाटा।